नमस्कार सभी दर्शकों का एसएसएम शारदा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं हूं प्रमोद थपलिया। दोस्तों, ऐसा प्रतीत होता है कि केरल सरकार ने कुन्नूर विश्वविद्यालय के कुलपति के कार्यकाल को सेवानिवृत्ति की आयु से आगे बढ़ाने के विवादास्पद निर्णय पर कानूनी विवाद में अपना पहला दौर जीत लिया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाईकोर्ट की एकल पीठ ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें विवादित आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी। वो आदेश क्या था और कुलपति की नियुक्ति पर विवाद आखिर इतना क्यों बढ़ गया, साथ ही जानेंगे कि राज्यपाल की इसमें क्या भूमिका थी। सबसे पहले जानते हैं कि यह खबर चर्चा में क्यों है। गोपीनाथ रविंद्रन को कुन्नूर विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में फिर से नियुक्त करने को लेकर केरल में विवाद छिड़ गया है। यह नियुक्ति राज्यपाल के आदेश के खिलाफ थी। राज्य विश्वविद्यालय में राज्यपाल की क्या भूमिका होती है, आइए जानते हैं। ज्यादातर मामलों में राज्य के राज्यपाल उस राज्य के विश्वविद्यालयों के पदेन कुलाधिपति होते हैं। राज्यपाल के रूप में वह मंत्री परिषद की सहायता और सलाह से कार्य करता है। कुलाधिपति के रूप में वह स्वतंत्र रूप से मंत्री परिषद से कार्य करता है तथा विश्वविद्यालय के सभी मामलों पर निर्णय लेता है। वही बात करें केंद्रीय विश्वविद्यालयों के मामले में तो केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 और अन्य विधियों के तहत भारत के राष्ट्रपति एक केंद्र विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष होंगे। दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करने तथा सीमित उनकी भूमिका के साथ केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुलाधिपति नाम मात्र के प्रमुख हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा आगंतुक के रूप में नियुक्त किया जाता है। वहीं कुलपति को भी केंद्र सरकार द्वारा गठित खोज और चयन समितियों द्वारा चुने गए नामों के पैनल के विजिटर द्वारा नियुक्त किया जाता है। अधिनियम में यह भी कहा गया है कि राष्ट्रपति को कुलाध्यक्ष के रूप में विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पहलुओं के निरीक्षण को अधिकृत करने और पूछताछ करने का अधिकार होगा। वहीं बात करें राज्यपाल से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों की तो संविधान के मुताबिक राज्य का राज्यपाल दोहरी भूमिका अदा करता है। पहला, वह राज्य के मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य है तथा राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल केंद्र सरकार का एक नामित व्यक्ति होता है जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अनुच्छेद 163 के तहत कुछ विवेकाधीन शक्तियों के अतिरिक्त राज्यपाल को उसके अन्य सभी कार्यों में सहायता करने और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद का गठन करने का प्रावधान है। वहीं अनुच्छेद 200 में राज्यपाल राज्य की विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को अनुमति दे सकता है, उसे रोक सकता है तथा राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को सुरक्षित रख सकता है। वहीं अनुच्छेद 213 में राज्यपाल कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में अध्यादेशों को प्रख्यापित कर सकता है। वहीं बात करें राज्य की पदावधि यानी टेन्योर की तो सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल 15 से 5 वर्ष तक की अवधि के लिए होता है। बात करें अनुच्छेद 153 की तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रियत पद धारण करेगा और राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष से पहले भी पद से हटाया जा सकता है या वह पद त्याग कर सकता है। राज्य का राज्यपाल निर्वाचित नहीं होता है, वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। राष्ट्रपति राज्यपाल को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकता है जहां वह शेष अवधि तक कार्य करेगा। वहीं अनुच्छेद 156(2) के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर समेत त्याग पत्र दे सकता है। राज्यपाल को किस आधार पर राष्ट्रपति हटा सकते हैं इस विषय पर संविधान मौन है। एक से अधिक बार राज्यपाल नियुक्त किए जाने के बारे में भी कोई प्रतिबंध नहीं है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। डेली अपडेट्स में कल आप बात करेंगे एक नए विषय पर। अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगली वीडियो के साथ आपसे जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद।